वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू आर हैविंग अ गुड टाइम। आज है वेडनेसडे, आज ईद की छुट्टी है, तो मैंने सोचा इसको यूटिलाइज़ करते हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं तामनी घाट। तामनी घाट पुणे से अराउंड 40 किलोमीटर्स दूर है, बट आई एम नॉट श्योर वहाँ पे पुलिस अलाउ करेगी या नहीं, तो चल के देखते हैं। बाकी पुणे में दो दिन पहले सेक्शन 144 लागू कर दिया है, जिसके तहत 5 से ज़्यादा लोग कहीं पर भी इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, एंड ये सारी टूरिस्ट प्लेसेस पे एप्लीकेबल है। तो देखते हैं, अलाउ करती है तो ठीक है, वरना फिर हम वापस आ जाएंगे। हम ट्राई तो करेंगे, लेकिन तो चलते हैं फिर। तो मैं रास्ते में अभी नाश्ता करने के लिए रुका हूँ। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट दिखा रास्ते में, मुंशी रोड पे, तो वहाँ पे रुक गया हूँ। थोड़ी भीड़ है यहाँ पर ठीक है, मतलब, और बहुत तेज़ बारिश हो रही है बाहर। और नाश्ते में मैंने लिया है इडली सांभर एंड चाय। मैं दिखाता हूँ, ये है इडली सांभर एंड ये है चाय। ठीक है, एवरेज है, काम चलाते हैं। यहाँ पे पूरे रास्ते बहुत तेज़ बारिश हो रही है, मैं कहीं पर भी बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, एंड बस कुछ ज़्यादा ही तेज़ बारिश हो रही है। और जब से मैं घर से निकला हूँ तब से लगातार बारिश हो रही है। ये नहीं पता कि अब किसी भी व्यू पॉइंट पर मैं रुक पाऊँगा या नहीं रुक पाऊँगा, बट लेट्स सी, कोशिश करेंगे, बट नॉट श्योर। अभी तक तो पुलिस नहीं मिली है, बट कुछ कह नहीं सकते पुलिस का, एकदम से चेक होता जाता है, तो इसलिए मैं कुछ गाड़ियों के साथ जा रहा हूँ, ताकि अगर चेक पोस्ट होगा तो मुझे थोड़ा पहले से पता चल जाएगा और मैं प्रिपेयर्ड रहूँगा। तो लोग इतनी तेज़ बारिश में भी इतनी तेज़ कैसे गाड़ी चला लेते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता है। तो गाइस, हम लोग तामनी घाट के रास्ते में हैं, एंड ये रास्ता, मतलब आई एम स्पीचलेस, मैं कुछ नहीं बोल सकता। इतना अच्छा रास्ता है, इतना प्यारा रास्ता है, इतना सीनिक रास्ता है, हर जगह वाटरफॉल्स ही वाटरफॉल्स हैं, ग्रीनरी है, साइड में लेक चल रहा था मेरे। एंड अभी भी हम लोग तामनी घाट पहुँचे नहीं हैं, अभी भी तामनी घाट कुछ कितना 5 किलोमीटर आगे दिखा रहा है, पर अभी से ही इतना ज़्यादा अच्छा व्यू चालू हो गया है। चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या क्या है। सो गाइस, अभी तक बारिश नहीं रुकी है, एंड लगातार इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि मुझे विजिबिलिटी इशूज़ आ रहे थे, तो मैं एक जगह साइड में लगा के गाड़ी खड़ा हो गया हूँ। जब थोड़ा कम हो जाएगा तब मैं निकलूँगा। एंड रास्ता इतना ज़्यादा अच्छा है, रोड्स इतनी ज़्यादा अच्छी हैं, पूरा घाट कवर कर लिया मैंने, इतनी अच्छी रोड्स मैंने कभी किसी और जगह पर नहीं देखी है।
स्पेशली माउंटेन रीजन में जहाँ पे लैंडस्लाइड्स वगैरह होती रहती है, वहाँ पे इतनी अच्छी रोड मेंटेन करना, हैट्स ऑफ। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और कम भी नहीं हो रही है, इतनी तेज़ हो रही है लगातार। मुझे 15-20 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं यहाँ पे खड़े हुए, लेकिन कम होने का नाम नहीं ले रही है बारिश। अब मुझे पता नहीं यहाँ पे कितनी देर और खड़ा रहना पड़ेगा। एनीवेज अभी तो सिर्फ 11 बजे हैं, मेरे पास काफ़ी टाइम है, बट स्टिल गाइस, वाटरफॉल एंजॉय करके हो गया है एंड अब तो काफ़ी सारे लोग आ गए हैं, तो आई थिंक आज चेकिंग नहीं हो रही है। वैसे भी आज वीकडे है तो नहीं होनी चाहिए। बाकी ये जगह बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, यहाँ पे कम से कम 4-5 वाटरफॉल हैं जो कि लाइन से हैं एंड सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। कुछ कुछ लोग डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं एंड बस मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगती है वाटरफॉल में कि लोग जाके उसके नीचे बैठ जाते हैं, पर वो कितना रिस्की होता है, ऊपर से इतने ऊपर से पानी आ रहा है, उसके साथ पानी के साथ साथ पत्थर भी आ सकता है, राइट? तो पता नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। आप लोग भी कोई भी जाओ तो प्लीज़ वाटरफॉल के नीचे थोड़ा सा केयरफुल रहो। दूर से भी इंजॉय कर सकते हैं जैसे कि मैंने किया एंड बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, पर बारिश लगातार हो रही है और बहुत तेज़ हो रही है। अब मैंने पूरा अपना रेन गियर पहन लिया है, उसके बाद मैं बाहर निकला था, बिना उसके तो बाहर नहीं निकल सकते हैं, छाता वाता कुछ काम नहीं करेगा इसमें। तो अब चलते हैं, भूख भी लग रही है, कुछ खाने का देखते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं ऑलमोस्ट पहुँच गया हूँ। तामनी घाट पुणे से अराउंड 40 किलोमीटर्स दूर है। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हो या फिर आप अपनी प्राइवेट कार से भी आ सकते हो। प्राइवेट कार या फिर कार रेंटल ज़्यादा प्रेफरेबल है बिकॉज़ आप वहाँ पर जाके बहुत सारे स्पॉट्स कवर कर सकते हो जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से उतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एंड पीक मानसून में आना अवॉइड करो क्योंकि आप ज़्यादातर स्पॉट्स एक्सप्लोर ही नहीं कर पाओगे क्योंकि पूरा फॉग रहता है एंड पूरे टाइम बारिश होती रहती है, तो उतने अच्छे से आप एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। तो एंड बाकी वहाँ पे बहुत सारी खाने पीने की जगह आपको रास्ते में मिल जाती है,
तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। एंड रोड कंडीशन भी काफ़ी ठीक हो गई है पहले से, तो इन ऑल काफ़ी अच्छी जगह है, आप आराम से आओ। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। बाय।